हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर वन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर निबंध पर वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। एंड आप निबंध कैसे लिखो ताकि आपका फुल मार्क मिल जाए और सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ऐसे लिखोगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको कैसे यहां जो आपका अंडरलाइन करना है, कितना आपको कितना पेज लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, और आपको हेडिंग्स कैसे डालने, सब कुछ बताने वाला हूं। और आज के इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो निबंध है वो 6 मार्क का पूछा जाएगा और 6 मार्क बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपका 1 मार्क से भी आप फेल हो जाते हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है, तो ये 6 मार्क आप ओनली 10 मिनट में गेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो आज हम लोग सीखेंगे कि इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा, सबसे पहली चीज बताई जाएगी कि निबंध कैसे लिखें ताकि आप फुल मार्क अचीव कर सको। बहुत सारे आपको YouTube पर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, मैंने भी वीडियोस बनाया था, लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि आपको निबंध कैसे लिखना है ताकि आप फुल मार्क अचीव कर सको। पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपको याद करके ही जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध आपको याद करके ही जाना है। और आपको तीसरा पॉइंट है कि सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा, 100% आप फुल मार्क अचीव कर लोगे। अगर जो तरीका बताने वाला हूं इस तरीके से लिखोगे तो आपका सबसे अच्छा निबंध रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर 4 मार्क 3 मार्क तो देगा ही, इतना तो सभी को मिल जाता है, वो चाहे जितना लिखे चाहे कम ही लिखे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इतना उनको मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको सबसे सही तरीका और सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा वो तरीका बताने वाला हूं। अगर आप ये तरीका अपने बोर्ड एग्जाम में लगाओगे तो आपका भी 1 मार्क कटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पांच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध की बात कर लेते हैं, आखिर हमें कौन कौन से निबंध याद करने हैं और कैसे हमें निबंध लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहला निबंध। आपको पहला निबंध तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं ऑलरेडी, आज भी बताने वाला हूं। और आपका पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप जरूर तैयार करके रहना बोर्ड एग्जाम 2022 में। देखो मैं आपको 5 ही निबंध बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूं, और आपको ये 5 निबंध तैयार करके जाना है, ठीक है। दूसरा निबंध है आपका कोरोना वायरस। बच्चे देखो कोरोना वायरस पर निबंध आप जरूर तैयार कर लो, ये अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछा जा सकता है, तो कोरोना वायरस पर निबंध आप तैयार कर लो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, उस वीडियोस को 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, कोरोना वायरस पर निबंध मैंने वीडियोज बना दिया है, आपको जरूर देखना है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो कोरोना वायरस पर निबंध का वीडियो, ठीक है। और यहां आपको तीसरा पॉइंट जो आपका है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण निबंध है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर भी आपको प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले आपको मतलब जो हेडिंग्स आपको याद कर लेना है, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हेडिंग्स डालकर अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आप विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी आप लोग निबंध जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध आप तैयार कर लो। 4 पॉइंट है भ्रष्टाचार एक समस्या। देखो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस पर भी अब निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार एक समस्या, इस पर भी आपको निबंध तैयार करके ही जाना है, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, इस पर भी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 5 निबंध आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 6 में 6 मार्क अचीव करना है। पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, सेकंड नंबर है कोरोना वायरस पर निबंध, थर्ड नंबर है निबंध जो आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप, एंड 4 नंबर है भ्रष्टाचार एक समस्या, एंड 5 नंबर है जनसंख्या वृद्धि। तो ये टॉप 5 निबंध से आपको तैयार करके जाना है। और निबंध लिखने का सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में तरीका बता देता हूं, फिर मैं आपको लिख कर समझाने वाला हूं, ठीक है। तो निबंध लिखने का जो तरीका है वो आपको हेडिंग्स कैसे डालना है, लाइक इज ये आपका निबंध आ गया, लाइक इज यहां देख सकते हो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर, क्योंकि ये जो निबंध है प्रदूषण की समस्या पर है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस पर निबंध आ गया, ओके।
तो अब आपको देखो हेडिंग्स कैसे डालना है, लाइक इस बच्चे भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले हेडिंग्स क्या डालना है। मैं आपको यहाँ तीन सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग बताता हूँ जो हर एक निबंध में आपको डालना है, चाहे प्रदूषण पर आ जाए, चाहे कोरोना पर आ जाए, चाहे आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप पर आ जाए, चाहे जिस पर। तो आपको रूपरेखा यानी कि रूपरेखा जरूर डालना है, आपको रूपरेखा भी मैं लिखना बताऊंगा कैसे रूपरेखा लिखा जाता है, फिर प्रस्तावना भी आपको जरूर हेडिंग डालना है, चाहे जो निबंध आपको लिखना हो रूपरेखा और प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। यहां से तीन हेडिंग्स तो आपको हर एक निबंध में आपको डालना है। नंबर फर्स्ट रूपरेखा, नंबर सेकंड प्रस्तावना, नंबर थर्ड आपको डालना है उपसंहार। पहले आपको रूपरेखा डालना है, फिर सेकंड नंबर पे आपका प्रस्तावना, सबसे लास्ट में उपसंहार, और बीच में लाइक आपको प्रदूषण पर लिखना है तो प्रदूषण के अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण और समस्या का समाधान। प्रदूषण के प्रकार में बहुत सारे हेडिंग्स हैं, लाइक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आप वहां आप लोगों को इसके प्रकार में लिखकर अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग डिस्कस करना है। तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका निबंध लिखने का कि आपको रूपरेखा डालना है, फिर प्रस्तावना, फिर लास्ट में उपसंहार, और आपको बीच में जो आपके रिलेटेड हैं लाइक प्रदूषण से है तो प्रदूषण के ये अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और समस्या का समाधान। ठीक है, अब मैं आपको लिखना समझाता हूँ आखिर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पेज में लिखने हैं, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से एक कॉपी दी जाएगी, ठीक है, यह है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ओके। तो आपको ऐसे ही कॉपी दी जाएगी, आपको लाइक ये प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर आ गया, प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर ही क्लास टेंथ में आता है, और आ गया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आप निबंध लिखो, ये प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर संख्या डालना है, फिर ये ब्लैक से आपको अंडरलाइन करना है एक स्केच से, फिर यहाँ भी नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको जो कॉपी है एक तरफ से इस तरफ से आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, इस तरफ से आपको अंडरलाइन करना है, इस तरफ से बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ बच्चे इस तरफ से भी कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपको एक तरफ से अंडरलाइन करना है। फिर फर्स्ट हेडिंग है रूपरेखा, रूपरेखा में आपको वो चीजें लिखनी है लाइक जिसमें कितने हेडिंग्स आपने डिस्कस किया है। मैंने हेडिंग डिस्कस किया है नंबर फर्स्ट प्रस्तावना, नंबर सेकंड प्रदूषण का अर्थ, नंबर थर्ड प्रदूषण के प्रकार, नंबर फोर समस्या का समाधान, नंबर फाइव उपसंहार। तो ये पांच हेडिंग्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, तो पांच हेडिंग्स मैंने लिख दिए। तो एक एक हेडिंग्स यहां से फर्स्ट हेडिंग्स आपको डालना है, लाइक प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपको जो भी लिखना है वो लिख दो, हैंड राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा है। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी जो है, हवा एंड आपका जंगल, ठीक है, एंड मिट्टी आदि सभी जो आपके हैं वो क्या हो रहे हैं, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमें इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। तो ये आपको सबसे पहले थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रस्तावना में लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, पूरे निचोड़ लिख देना है, ठीक है। फिर आपको जो प्रदूषण का अर्थ लिखना है, यानी को बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर प्रदूषित या फिर दूषित कर रही है। देखो मैंने बढ़िया से डाला है ब्लैक से, फिर ये देखो अंडरलाइन किया है, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सही है, क्योंकि ऐसे आपको लिखोगे तो 6 मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। या गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए भी हानिकारक है, यानी कि अब देखो यहाँ कारक कर देना है, ठीक है, हानिकारक है, कारण नहीं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को जो आपका प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक क्रांति प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और इससे मानव जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। याद को एक चीज लिखा गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे, देखो बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे एक लोग थे तो वो कम प्रदूषण कर रहे थे, लेकिन ऐसा जब 1000 लोग हो गए तो वो सभी लोग प्रदूषण कर रहे हैं, और इस तरह से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ आपको प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालने हैं, प्रदूषण के प्रकार में आपको लिखना है आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग प्रदूषण के प्रकार देखें, यहाँ फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट मैंने लिखा है वायु प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, थर्ड है ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार हैं, एंड फोर है रासायनिक प्रदूषण। तो सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, और आपको जैसा लिखा गया ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो, ये निबंध कोई दिक्कत नहीं है।
देखो वायु जीवन, सॉरी हाँ, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। अगर वायु ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है बिगड़ रहा है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। देखो इसमें बहुत सारे हानिकारक गैसें मिली जा रही हैं। हानिकारक गैसों का अर्थ है कि वो गैसें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो भी वायु में मिल रही हैं। यहाँ देखो आपको दूसरा है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है, आपने सुना होगा जल ही जीवन है। और आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित या दूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती है जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। देखो भाई जल प्रदूषण भी इसका एक प्रकार है। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आपका घा है रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे और अब इस समस्या के आखिर समाधान क्या है, हम क्या करें ताकि जो प्रदूषण की समस्या है वो खत्म हो जाए। यहाँ से अगर इस टाइप से लिखोगे तो आपको भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 6 में से आपको 5 तो मिल ही जाएगा, 5 में से या फिर 6 में 6 भी मिल सकता है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जितना अच्छा आप एग्जामिनर के साथ अपना इंप्रेशन व्यक्त करोगे उतना अच्छा आपको मार्क मिलेगा। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वाधिक साधन है, वृक्ष को लगाना, ठीक है। और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा वृक्ष का कटाव हो रहा है, ये बहुत गड़बड़ है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि जो प्रदूषण है वो खत्म हो सके। ये है समाधान, आपके हाथ में है। अगर आप खत्म करोगे तो फिर आपका जो जीवन है वो खतरे से बाहर आ जाएगा। और एक लोगों को करने से ये नहीं होगा, जब पूरी जनता सहमत होगी तभी होगा। उपसंहार में आपको लिखना है क्या, जो इनके थोड़ा सा आपको अच्छे से लिख देना है, जो आप जो सरकार लोग कर रही हैं। लाइक इस प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष लगाएं। तो ये है आपका जो निबंध लिखने का बिल्कुल सही तरीका, ये है बच्चा पार्टी सही तरीका, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। यहां से मैंने आपको बता दिया 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध और लिखने का तरीका भी बता दिया, और यहां आपको सही तरीका था, इसमें आपको रूपरेखा और आपका ये उपसंहार और यहां ये नहीं है, ठीक है। और प्रस्तावना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो आपका रूपरेखा, प्रस्तावना और उपसंहार, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।